अच्छा ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस के बारे में, और रेजोनेंस का एक जनरल इंट्रोडक्शन हमने लास्ट टाइम लिया था, बट स्टिल स्टार्ट वहीं से करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही। हमने एक इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाया था, और इम्पीडेंस ट्रायंगल को हमने बनाया था कैसे, फेजर डायग्राम से। और फेजर डायग्राम्स जब हमने बनाए थे तो जो फाइनल फेजर था हमारे पास बिटवीन एल सी एंड आर, इट वॉज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर डायग्राम। यानी ये अगर मेरा ई आर है, यानी ई एम एफ अक्रॉस आर यानी रेजिस्टर, एंड दिस इज ई एल माइनस ई सी यानी ई एम एफ ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस रिस्पेक्टिवली। तो जो रिजल्टेंट ई एम एफ मिल रहा था वो मुझे इस तरफ जाके मिल रहा था। अगर मैं यहां से ई की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये बेटा हमने कैलकुलेट करी थी, याद करो, ई एल माइनस ई सी स्क्वायर प्लस ई आर स्क्वायर, जिसको कि फाइनली हमने लिखा था इम्पिडेंस इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था लास्ट टाइम, यस ठीक है? तो ये फॉर्मूला था इम्पिडेंस का, और इम्पीडेंस की हमने एसआई यूनिट के बारे में बात की थी कि ये ओम्स की होती है। अब अगर इसी डायग्राम को मैं इन टर्म्स ऑफ एक्सएल एक्सी एंड आर अगर बनाने की कोशिश करूं तो हम ऐसा बना सकते हैं इसको। ध्यान से देखेंगे कि ये आपके पास होगा आर, ये होगा आपके पास एक्सएल माइनस एक्सी। तो इस डायरेक्शन में जहां ई मिल रहा था इस डायरेक्शन में आपको मिलेगी इम्पीडेंस। तो अगर मैं इसका प्रोजेक्शन इस तरफ ले लूं देन दिस विल बी एक्सएल माइनस एक्ससी, और इस एंगल को हमने बोला था फाइव। याद आया कुछ? यस ठीक है, तब हमने यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि पावर डिसिपेशन मिनिमम होगा अगर आपका, सॉरी, पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो वो लेट्स से, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक्सेल फैक्टर है ही नहीं, यानी इम्पीडेंस को हम आर के ऊपर अगर ओवरलैप करवा दें, आर और इम्पीडेंस दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं, तो इसका मतलब एक्सेल माइनस एक्सी जीरो हो गया, तो एक्सएल किसके इक्वल हो जाएगा, एक्ससी के इक्वल हो जाएगा, एंड दिस रिजल्ट इज कॉल्ड रेजोनेंस। ये बात की थी हमने, यस ठीक है? तो हम वापस आज यहीं से स्टार्ट करेंगे कि एग्जैक्टली एक्सएल माइनस एक्ससी है क्या। मान लो बेटा किसी भी केस में हम बोलें, किसी भी एलसीआर सर्किट में एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाएं, तो इम्पीडेंस पे क्या फर्क पड़ता है? तो देखो, एट रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, देन जेड इज इक्वल टू आर ओनली, ठीक है? आपका एक्सएल अगर एक्ससी के इक्वल हो जाए तो एक्सएल माइनस एक्ससी कितना हो गया, जीरो हो गया, तो जेड किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। यानी एट रेजोनेंस एलसीआर सर्किट बिहेव्स एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो यानी सर्किट के अंदर ऑपोजिशन ऑफर्ड रिड्यूस हो गया, कंसिडरेबली रिड्यूस हो गया, ठीक है? आई मीन वॉट एवर बी द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, लेट्स से कि ये आपका सर्किट है, ये एल ये सी, और फिर यहां पर हमने आर अप्लाई करा, और ये आपका ऑल्टरनेटिंग सर्किट है, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर एक्सएल होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर एक्ससी होता है। इट मींस यहां पर एक्सएल माइनस एक्ससी अगर जीरो के इक्वल हो जाए, यानी रेजिस्टेंस और सॉरी रेजोनेंस की कंडीशन अगर रीच कर जाए, तो ये पूरा का पूरा सर्किट इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफर नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। और अगर वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो इम्पीडेंस कम हो गई, इम्पीडेंस यानी कि सिर्फ होल सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो कम हो गई, तो ऐसी केस में क्या बढ़ जाती है, करंट बढ़ जाता है।
तो सर्किट के अंदर अगर हमें करंट बढ़ाना हो तो हम XL और XC को पास लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि इनको इक्वल रखने की कोशिश करते हैं या रेजोनेंस की कंडीशन रीच कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है? यस सर। तो रेजोनेंस का सीधा सीधा मतलब ही ये होता है कि वहां पर आप रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर रहे हो तो करंट को आप बढ़ा रहे हो। ठीक है? अब इसी एसी सर्किट के अंदर हमने एवरेज पावर निकाली थी ईवीआईडी कॉस पाई। अब ध्यान से देखें, अगर एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाए तो यानी ये वाला वेक्टर खत्म हो गया, आर को जेड क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि आपका फाई कितना हो जाएगा, 0 degrees। यानी एट रेजोनेंस फाई इज इक्वल टू 0 degrees, तो पी एवरेज विल बी ईवी आईवी। कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। अब देखो ये एवरेज वैल्यू किसकी थी, रेजिस्टिव सर्किट की थी ना, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की। तो जो हमने यहां पर बात लिखी दैट एलसीआर सीरीज सर्किट बिहेव्स एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, वो अपनी जगह ठीक है बिल्कुल। यस सर। क्लियर है सबको ये बात? यस सर। ओके, अब रेजोनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अब देखो बेटा, इस चैप्टर में रेजोनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैंने आपको जो क्वेश्चंस भेजे हैं उन क्वेश्चंस में लास्ट में एक सेक्शन होगा जो कि सिर्फ रेजोनेंस के ऊपर क्वेश्चंस दे रखे हैं। उसके अंदर आपके जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से वो ज्यादातर रेजोनेंस से रिलेटेड आते हैं। छोटी छोटी सी बातें पकड़ी जाती हैं उसके अंदर, जैसे कि अभी हमने एक बहुत ही छोटी बात करी लेकिन वो इंपॉर्टेंट है कि एट रेजोनेंस हाउ विल द एलसीआर सर्किट बिहेव्स। तो एलसीआर सर्किट बिहेव्स एज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अब मान लो चार ही ऑप्शंस दे दिए जाए वहां पे, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव और नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज का मतलब क्या हो गया कि एलसीआर की अपनी जो कॉन्फिगरेशन है वो इंटैक्ट है। ठीक है? तो अब आपका आंसर होना चाहिए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। क्यों? रेजोनेंस के अंदर एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाते हैं। अब ये एक्सएल और एक्ससी हम बार बार कह रहे हैं इक्वल हो जाते हैं, तो एग्जैक्टली होता क्या है इनके इक्वल हो जाने से? देखें, इनके इक्वल हो जाने से बेटा सर्किट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर फर्क पड़ता है, और वो जो सर्किट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर फर्क पड़ता है वो कैसे पड़ता है, क्या फर्क होता है वो, उसको अभी हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये पार्ट आपको क्लियर हो गया है तो क्या मैं बोर्ड क्लियर कर दूं? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा देखो, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस मैंने कहा एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, बट एक्सएल किसके इक्वल होता है, ओमेगा एल। एक्ससी किसके इक्वल होती है, वन अपॉन ओमेगा सी। ये वैल्यूज को हमने एक्सएल और एक्ससी लिखा था जब हमने प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में बात की थी, लिखा था ना? Yes, sir. ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC, या फिर आप लिख सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर द रूट LC। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं? Yes, sir. दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब हम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी हमने ऑब्टेन करी कंडीशन ऑफ रेजोनेंस से। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की एक डेफिनेशन होती है जिससे कि आप रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। लिखो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एट विच इंपीडेंस ऑफ द सर्किट becomes minimum,
the particular frequency at which the impedance of the circuit becomes minimum. अब यहां पर जहां पर आपने सर्किट लिखा वहां ब्रैकेट में लिख लेना LCR. The impedance of circuit becomes minimum. And therefore, the current becomes maximum. And therefore, the current becomes maximum. Is called resonating frequency of the circuit. Resonating frequency of the circuit. अब हमने इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करा है, ठीक है? तो इस फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट्स होंगी वो होंगी रेडियंस पर सेकेंड. रेडियंस पर सेकेंड. आप चाहो तो इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में भी आप लिख सकते हो, ठीक है? फ्रीक्वेंसी वो भी रेजोनेटिंग ही कहलाएगी. So f will be equal to 1 upon 2 pi under the root lc. क्यों? क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi f. ये हमने ऑलरेडी पढ़ रहा है. तो f यहां पर इक्वल हो गया 1 upon 2 pi under the root lc के, ठीक है? Yes sir. अब आप इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहें या रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहें, बात एक ही है, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड. आपकी पूरी क्लास 12th की फिजिक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं जिनके लिए देयर इज कोई ना कोई ग्राफ है ना. अब वो जो ग्राफ होते हैं वो जनरली उन रिलेशंस से ही हम डिराइव करते हैं. अब यहां हम जो ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए, वो ग्राफ हम बनाने की कोशिश करेंगे बेटा सर्किट के अंदर फ्लो करने वाले करंट और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बीच में. क्योंकि अभी जो हमने डेफिनेशन लिखी, इस डेफिनेशन में हमने यही कहा कि रेजोनेंस वो कंडीशन है जहां पर सर्किट की रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस यानी कि इंपेडेंस क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए और सर्किट के अंदर फ्लो करने वाला करंट मैक्सिमाइज कर जाए. तो करंट का ग्राफ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के साथ जनरली आपके पेपर में आ जाता है और वो एक स्पेसिफिक नाम के साथ आता है, उसको कहते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस. अब इस टर्म को सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से समझ लें और लिख लें. टर्म पूछी जाएगी आपसे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस. और बेटा इसको कुछ अलग अलग बुक्स के अंदर क्वालिटी फैक्टर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. क्वालिटी फैक्टर. अब क्वालिटी फैक्टर को जनरली लिखा हुआ आएगा क्यू फैक्टर, ठीक है? Now this Q factor is completely different from the Q factor in modern physics. Modern physics के अंदर जब आप Q factor निकालते हो वो Q factor नहीं होता, वो Q value होती है, energy की value होती है. यानी reaction अगर आपकी exothermic है या endothermic है तो वहां पर आपको Q value निकालनी पड़ती है. तो वो energy की बात कर रहा होता है वहां पर. यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं quality की. अब quality से क्या मतलब? Let's say पहली तो बात कि graph बनेगा कैसा. मान लो कि इस एक्सिस पर हमने ले लिया करंट और इस एक्सिस पर हमने ले ली फ्रीक्वेंसी. लेट्स से कि ये मेरी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा नॉट, ठीक है? और इसके इस तरफ और इस तरफ ओमेगा के बैंड्स हैं. ऑब्वियसली इधर ओमेगा इज अप्रोचिंग जीरो, इधर ओमेगा इंक्रीज करेगा और ये मेरी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. तो जो ग्राफ होगा करंट का वो बेटा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है? फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ
एल एंड सी जो रेजोनेटिंग ग्राफ होगा, फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होगा ओमेगा के लिए, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एल एंड सी, ओमेगा का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक है, यहां इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जितना इसकी पीक शार्प होगी, ठीक है, शार्पर द पीक लेसर द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, पीक जितनी ज्यादा शार्प होगी रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी। ठीक है, यस सर। अब एक बात बताता हूं, ये यूज कहां पर होता है। ठीक है, आपकी बुक्स में ये ग्राफ हो सकता है दे रखा हो, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है वैसे। ठीक है, और वहां शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस शायद लिखा भी हुआ है, सिर्फ क्वालिटी फैक्टर का पता नहीं क्यों फैक्टर लिखा है नहीं लिखा, लेकिन ये यूज कहां पर होता है। आपके जितने भी ट्यूनिंग सर्किट्स होते हैं, ठीक है, यूजेस कहां पर है थे? ट्यूनिंग सर्किट्स के अंदर। अब ट्यूनिंग सर्किट जैसे रेडियो एफएम, ठीक है, या फिर वायरलेस, जहां पर आपको ट्यूनिंग करनी पड़ती है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, आप अपने एफएम रेडियोस में भी या आप अपने मीडियम वेव रेडियो चैनल्स में भी क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग करते हो। आजकल क्या हो गया, सब कुछ डिजिटल हो गया। अब आपके पास आपकी गाड़ी के अंदर जो म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ होता है उसके अंदर चैनल्स ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, तो आप चैनल वन प्रेस करते हो तो रेड एफएम चालू हो जाता है, चैनल टू प्रेस करते हो तो बिग एफएम चालू हो जाता है। तो अलग अलग एफएम्स के लिए, डिफरेंट चैनल्स के लिए देयर आर डिफरेंट बटन्स देयर। बट पहले क्या होता था, मैनुअल ट्यूनिंग की जाती थी, आज से कुछ साल पहले तक भी, आज भी मैनुअल ट्यूनर्स अवेलेबल होते हैं, आप उसको मूव कराते रहते हो और अल्टीमेटली वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जाके ट्यून हो जाता है। जिस फ्रीक्वेंसी पर वो ट्यून होता है, होता ये है कि आपके सर्किट की, आपके रिसीवर की जो इम्पीडेंस होती है वो ट्रांसमिटर की इम्पीडेंस के साथ एग्जैक्टली मैच कर जाती है। तो जो सर्किट, जो आपका सिग्नल है, उस सिग्नल का जो रिसेप्शन होता है वो बेस्ट होता है अगर दोनों ट्रांसमिटर एंड रिसीवर बोथ आर इन द सेम इम्पीडेंस, बोथ आर एट द सेम इम्पीडेंस। ठीक है, yes, तो उस केस में, तो इसका मतलब उस केस के अंदर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय आइदर ऑफ द टू, आइदर द ट्रांसमिटर और रिसीवर, दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। यानी अगर मान लो किसी की भी रेजिस्टेंस ज्यादा है, देन देयर विल बी सम डिस्टॉर्शन इन द सर्किट, और वो डिस्टॉर्शन आपको सिग्नल में दिखाई देगा, सुनाई देगा, मतलब आपको रिसेप्शन क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो ट्यूनिंग सर्किट्स हैं, जनरली उसमें जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसके ऊपर, वो कहता है कि मान लो जी आपके पास एक एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है। वो कहता है कि इन तीनों ग्राफ्स के अंदर L एंड C आर फिक्स्ड, यानी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हमने फिक्स कर दी। तो ये बताएं, आउट ऑफ द थ्री ग्राफ्स हुज क्वालिटी फैक्टर इज हाईएस्ट, ऑब्वियसली द वन विद द शार्पेस्ट पीक विल हैव द ग्रेटेस्ट क्वालिटी फैक्टर। दूसरी बात, विच ग्राफ इज हैविंग द लोएस्ट रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली द वन विच इज हैविंग द शार्पेस्ट पीक विल हैव द लोएस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, यस सर। तो ये बात आई होप कि यहां से आपको क्लियर हो गई होगी, है ना? यस सर। ठीक है, दिस इज योर करंट एम्पलीट्यूड, करेक्ट बेसिकली यही है यहां पर, दिस इज करंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट और ओमेगा के बीच का ग्राफ है। ठीक है,
यस सर। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ करंट और मतलब वेरिएबल करंट और ओमेगा के बीच का ग्राफ अगर बनाना हो तब कैसे बनेगा, तब उसकी शेप उल्टी हो जाएगी। ठीक है, इसको आप करंट एम्पलीट्यूड के साथ ही बनाएंगे। एम्पलीट्यूड का मतलब हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की बात करते हैं वहां पर। देखो, आपने एल और सी फिक्स कर दिया ना, हमने बोला एल एंड सी आर फिक्स्ड। अगर आप एल और सी को फिक्स कर दो तो जो करंट आपको मिल रहा होगा वो एक मैक्सिमम करंट होगा उस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर। यस सर। लेकिन अगर आपके एल एंड सी फिक्स ना हो देन जो ग्राफ होगा उसके अंदर देयर विल बी सम वेरिएशन। ठीक है, अब यहां पर हम जो बात करेंगे, अब जिस सर्किट की बात कर रहे हैं वो होगा पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। ये सीरीज था, सीरीज के अंदर ग्राफ इज लाइक दिस, लेकिन अगर मैं पैरेलल रेजोनेंस की बात करूं, इन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। अब पैरेलल रेजोनेंट सर्किट का मतलब क्या है कि एक इंडक्टर है आपके पास और एक कैपेसिटर है, दोनों को आपने पैरेलली कनेक्ट कर रखा है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी रिमेंस द सेम, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। वो आपका एफ इज इक्वल टू 1/2 pi अंडर द रूट एल सी एज इट इज रहेगी, लेकिन इसका जो ग्राफ होगा वो चेंज हो जाएगा बेटा। तो पैरेलल का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। अगर ये आपकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है तो पहले ऐसे और उसके बाद ऐसे, ये होगा आपका करंट और ये होगा आपका ओमेगा नॉट, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है? यस सर। तो ये बात याद रखना, दो ग्राफ, ये आपका सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए है, ये आपका पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के लिए है। अब पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में होता क्या है? देखो, अगर हम ये कहें कि ये इंडक्टर है L, ये कैपेसिटर है C, और बेटा आपने इसको एक अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर रखा है विद अ की। ठीक है, अब एक बात सोचो, जैसे आप की को स्विच ऑन कर देते हो, यानी आपने स्विच ऑन करा इसको सर्किट को, तो इसके अक्रॉस कुछ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा ना, और सी भी कुछ चार्ज होने लगेगा। लेकिन सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जैसे ही अपनी पीक वैल्यू पे पहुंच जाएगा, यानी कि मैक्सिमम हो जाएगा, इट मींस जब ईएमएफ वहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वहां पर कांस्टेंट हो जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाता है, ये आप जानते हो। इट मींस एल अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होगा ना। Yes, sir. तो आप उस टाइम पर अगर इस की को ओपन कर दो तो ये सर्किट अपने आप को ही चार्ज और डिस्चार्ज करता रहता है, यानी कि ये एलसी ऑसिलेशंस क्रिएट करता है। कैसे? मान लिया कि एल के अंदर कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो गया था, एंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अब जो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ है, देन देयर विल बी सम मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट आल्सो। अब वो जो करंट होगा वो जब बैक फ्लो करेगा तो वो इस कैपेसिटर को क्या करने लगेगा, चार्ज करने लगेगा। कब तक चार्ज करता रहेगा? जब तक के इंड्यूस्ड करंट जीरो ना हो जाए। जैसे ही इंड्यूस्ड करंट जीरो होगा तो कैपेसिटर अपनी एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो चुका होगा, बट कैपेसिटर को आपने शॉर्ट करा हुआ है इसके साथ, क्योंकि बैटरी तो अब है नहीं, सोर्स तो अब है नहीं, तो वो किसके साथ शॉर्टेड है? एल के साथ, इंडक्टर के साथ। नाउ इंडक्टर अगेन स्टार्ट्स रिसीविंग करंट फ्रॉम द कैपेसिटर। नाउ कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ सोर्स, और कैपेसिटर से करंट मूव करने लगेगा इंडक्टर में, लेकिन इंडक्टर अपने ही अंदर क्या करेगा, सेल्फ इंडक्शन की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप कराएगा। तो कैपेसिटर से जब तक कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज ना हो जाए इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता रहेगा। अब वो इंड्यूस्ड ईएमएफ वापस अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हुआ। ठीक है, तो अब आपने देखा, पहले इंडक्टर ने कैपेसिटर को ड्राइव करा, फिर कैपेसिटर ने इंडक्टर को ड्राइव करा, और ये दोनों एक दूसरे को ड्राइव करते रहते हैं तब तक जब तक के फाइनली
इस सर्किट के अंदर मटेरियल रेजिस्टेंस की वजह से करंट या चार्ज जीरो ना हो जाए। अब सोचो अगर ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर हम किसी ऐसे कंडक्टर से बना दें जो कि सुपर कंडक्टर या उसकी रेंज में आता हो, तो इसका मतलब इसके अंदर जो ऑसिलेशंस होंगे वो कभी खत्म ही नहीं होंगे, है ना? Yes, sir. This type of circuit is called parallel resonant circuit. Although parallel resonant circuit के ऊपर आपके पास questions शायद ही आएं, LC oscillations के ऊपर questions शायद ही आएं, but फिर भी आपके लिए जानना जरूरी था, इसलिए मैंने इस topic को यहाँ पर छेड़ दिया, क्योंकि ये resonance से related ही है, और इसका graph आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे बेटा, क्योंकि अगर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आए तो सीरीज और पैरेलल के ग्राफ्स पूछने के लिए वो ग्राफ्स को मिक्स कर देगा, तो गलती ना हो जाए इसके लिए याद रखना कि ये पैरेलल रेजोनेंट सर्किट का ग्राफ रहेगा करंट और ओमेगा के बीच में, लेकिन ये वाला ग्राफ करंट एम्पलीट्यूड और ओमेगा के बीच में रहेगा, तो ये किसके लिए है? सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए। ठीक है? Yes. ठीक है, समझ आ गया है यहां से? किसी का कोई डाउट है? अन्वेषा, कोई डाउट है बेटा? किया, कोई डाउट है? नो सर। अभिमन्यु? नो सर। एंजेला? नो सर। रिया? नो सर। राघव? नो सर। माही? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा बोर्ड क्लियर कर दो। यस सर। नेक्स्ट है बेटा वॉटलेस करंट। Now, what is wattless current? अच्छा, जैसा कि नाम आप देख पा रहे हो, wattless. What is the unit of power? Electrical power. और wattless मतलब कि एक ऐसा circuit जहां पर power हो ही ना, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है? लेकिन wattless current का कॉन्सेप्ट है क्या? लिखें, व्हाट इज वॉटलेस करंट? लिखो, वॉटलेस करंट इज डिफाइंड एज द करंट इन एन एसी सर्किट which requires zero power consumption for its maintenance. In an AC circuit, zero power consumption for its maintenance in an AC circuit. अब ऐसा हम कब अचीव कर सकते हैं? देखो ध्यान से, इसका मतलब वॉटलेस करंट वो करंट होगा जो कि AC सर्किट में फ्लो तो करेगा बट एवरेज पावर कंजम्पशन जीरो हो जाए। अब इन एन AC सर्किट P average is given by EV IV cos phi, ठीक बात है? तो P average zero कब हो सकता है? When P average is zero, when phi is equals to 90 degrees,
या पाई बाय टू। तो देखो उस केस में पी एवरेज जीरो हो जाएगा। अब ये कब हम अचीव करें देखें, फिर से इंपीडेंस ट्राइंगल बनाओ, ये आर, ये जेड, दिस इज एक्सएल माइनस एक्ससी और ये पाई। तो इसका मतलब ये वेक्टर इस तरफ मूव करता रहे और ये वाई एक्सिस को ओवरलैप कर जाए, तो जितना ये वेक्टर इस तरफ मूव करेगा आपका आर उतना ही कम होता चला जाएगा, है ना? यस सर। जितना आप इस वेक्टर को बेटा इस तरफ लेते आते चले जाएंगे, यानी फाइव बढ़ाते चले जाएंगे, द टाइम व्हेन फाइव इक्वल टू 90 डिग्रीज, तो लिटरली उस टाइम पर देखेंगे हम लोग कि आर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ऐसे वाले केस के अंदर जो करंट फ्लो करता है उसको हम लोग बॉटलेस करंट कहते हैं, ठीक है? यस सर। अब एमसीक्यूज में इससे रिलेटेड क्या पूछ सकता है, वो जनरली आपसे पूछेगा व्हाट इज द वर्क डन बाय बॉटलेस करंट। अब ऑब्वियसली वर्क डन कितना होगा, जीरो। क्यों? पार क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब एवरेज पार ही जीरो हो गई तो वर्क डन कितना होगा, जीरो, ठीक है? दिस करंट इज ऑल्सो नोन एज आइडल करंट, ठीक है? आप इसको वॉटलेस भी कह सकते हो या फिर आप इसको आइडल करंट भी कह सकते हो। तो जनरली यहां पर जो फेज एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्रीज। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जनरली, अच्छा आज हमने जितने भी टॉपिक्स किए हैं ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। जनरली एसी करते हुए बच्चों का जो कंसेप्शन रहता है वो ये कि यार न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, आरएलसी पे आएगा, ठीक है? बट एग्जामिनर आपसे एक स्टेप आगे होता है, ठीक है? वो आपसे इतनी आसान आसान सी चीजें पूछ लेता है, बट क्योंकि आपने पढ़नी रखी होती तो आपको लगता है कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया उसने, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, इन सब चीजों को भी यू ओनली हैव टू गिव ओनली 15 मिनट्स टू दीज टॉपिक्स, ठीक है? एक बार ही पढ़ोगे तो भी हो जाता है, ठीक है? तो बस थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें याद रखनी है। अब मान लो किसी क्वेश्चन में अगर वो लिख दे द आइडल करंट इन द सर्किट, अब आइडल करंट लिखा, बच्चे क्या पढ़ते हैं, करंट आइडल के ऊपर जाते ही नहीं, वॉटलेस तो कोई भी समझ जाएगा, ठीक है? लेकिन आइडल लिख दिया उसने, अब तो आपको पता होना चाहिए कि आइडल को ही वॉटलेस कहते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में एवरेज पावर कंजम्पशन जीरो होगी, ठीक है? और मैंने जैसे कि कहा यहां पर कि आपका आर उस टाइम पर अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, जीरो। अब वापस आना इंपीडेंस ट्राइंगल के रिजल्ट पे, इंपीडेंस क्या था बेटा, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अगर मैं कह दूं कि आर जीरो हो गया तो देखो जेड इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्सएल माइनस एक्ससी हो गया ना? यस सर। यानी इम्पीडेंस किसके बराबर आ गया, सिर्फ एक्सएल माइनस एक्ससी के बराबर आ गया, और ये वाला ग्राफ आपका फिर ऐसे ही बनेगा, एक्सएल माइनस एक्ससी स्ट्रेट लाइन, इम्पीडेंस ओवरलैप कर जाएगा किसको, एक्सएल माइनस एक्ससी को। तो अगर हमने रेजोनेंस देखा था तो रेजोनेंस में हमने देखा था पाई जीरो हो जाता है क्योंकि जेड यानी इम्पीडेंस ओवरलैप करता है आर को इन द ग्राफ। तो अब क्वेश्चन पूछने वाला आपसे उल्टा भी तो पूछ सकता है कि उसने ओवरलैप करा एक्सएल माइनस एक्ससी को, तो याद रखना ये वॉटलेस करंट होगा, पार क्या हो जाएगी, जीरो। इट मींस दिस पर्टिकुलर रिजल्ट और दिस पर्टिकुलर रिलेशन बिकम्स एन इंपॉर्टेंट एंटिटी हियर, क्योंकि आपको अगर ये याद नहीं है तो फिर आप ये सब चीजें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, तो एसी में ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें थी। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज नाउ एक डिवाइस है। अच्छा ये आपको रिक्वायर्ड, अच्छा चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया, बोर्ड क्लियर कर दूं? यस सर। यस सर। ठीक है,
अच्छा लास्ट चैप्टर ओ सॉरी लास्ट टॉपिक एसी का है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांसफॉर्मर। अच्छा ट्रांसफॉर्मर इतना इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम सीबीएसई एग्जाम की बात करें तो किसी भी साल किसी भी सेट के अंदर ट्रांसफॉर्मर का कोई क्वेश्चन ना हो ऐसा नहीं हो सकता, ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन होता ही होता है, ठीक है। दूसरी बात, ऑप्शन में आता था कि एसी के 5 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर एक ऑप्शन ट्रांसफॉर्मर की होती ही होती, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने फर्स्ट टर्म्स के अंदर भी। दूसरा, हमारी डेली लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मर बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेली लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मर की इंपॉर्टेंस आप सिर्फ इसी बात से समझ सकते हो कि जनरली हम जिन एरियाज के अंदर रहते हैं उसमें कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर दिल्ली में लोड शेडिंग ज्यादा होती है, लोड शेडिंग मतलब पावर कट्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। दूसरा, लोड शेडिंग की बात ना करें तो फ्लक्चुएशंस बहुत होती हैं, और एट टाइम्स फ्लक्चुएशंस इतनी मिनिमम होती हैं कि हमें पता नहीं चलता, बट गर्मियों में अगर आप देखें तो हमारे घरों में 220 वोल्ट प्रिस्क्राइब्ड है कि भाई आएगा, ठीक है, और आना चाहिए, बट एट टाइम्स अगर हम इनपुट देखें तो 180 वोल्ट्स 190 वोल्ट्स इतना आ रहा होता है, तो वोल्टेजेस डिम होती है, वो बहुत ज्यादा डिम हो जाती है 150 के आसपास हो जाती है तो ऑब्जर्वेबल हो जाती है, बट 180 190 उतना ऑब्जर्वेबल नहीं भी रहता, ठीक है। बट हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं दे ऑल आर वेरी वोल्टेज सेंसिटिव, ठीक है, दे आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स फ्लक्चुएशंस, क्योंकि आज के टाइम में एक जमाना होता था जो कि एनालॉग मशीन्स का जमाना होता था, बट आज का जो जमाना है वो सारा का सारा डिजिटल, इनफैक्ट आपके कॉम्पोनेंट्स के ऊपर बेस्ड है, और ये जो डिजिटल कॉम्पोनेंट्स हैं सारे के सारे जनरली दे आर बेसिकली चिप बेस्ड कॉम्पोनेंट्स, और ये जो चिप्स होती हैं ये सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनती है, और सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों इस तरह के एलिमेंट्स हैं कि विदाउट डोपिंग या विदाउट एडिंग इम्प्योरिटीज टू दीज एलिमेंट्स हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बना नहीं सकते। तो आज की डेट में चाहे आपका LCD टीवी है, LED टीवी है, चाहे आपका मोबाइल फोन है, चाहे आपका लैपटॉप है, टैब है, इवन अब आपके ACs जो आने लगे हैं, आप जाते हो या टीवी में एड देखते हो कि भाई ये AC कैसा इन्वर्टर AC है, ये इन्वर्टर पे भी वर्क करेगा, ठीक है, तो उसके अंदर भी चिप्स लगे हुए हैं, जितने भी सेंसर वाली टेक्नोलॉजीज हैं दे ऑल आर चिप बेस्ड टेक्नोलॉजीज एंड ऑल ऑफ देम आर बेसिकली वर्किंग ऑन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम चिप्स, सेमीकंडक्टर्स। अब ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये सारे के सारे बेटा आपके वोल्टेज सेंसिटिव होते हैं, जितने भी सिलिकॉन डिवाइसेस होते हैं दे ऑल रिक्वायर 0.6 वोल्ट टू 1 वोल्ट ओनली फॉर देयर वर्किंग, ठीक है, बट हमारे घर में कितना आ रहा है 220 वोल्ट, और कहां 220 और कहां 1 वोल्ट। अब आपके पास जो आपके मोबाइल फोन चार्जर्स होते हैं, आजकल मोबाइल फोन चार्जर्स कुछ इस तरह के आते हैं कि उसके अंदर आपकी ये USB वायर अलग से आती है आजकल, है ना, चार्जर तो ये है। अब इस चार्जर के अंदर ऐसा क्या होता है, इस चार्जर के अंदर आप कभी इसको पढ़ो तो इसके ऊपर स्पेसिफिकेशन लिखी हुई होती है बिल्कुल क्लियरली दैट इट कैन वर्क ऑन 100 टू 230 वोल्ट्स, और 100 वोल्ट किसी और रीजन की बात कर रहे हैं, जैसे कि USA में अगर हम बात करें तो इंडिया में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज इज द रेटिंग, सप्लाई रेटिंग, लेकिन USA में इट इज 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज, ठीक है, तो वहां 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज है। एक जमाना होता था कि वहां से जो इंपोर्ट करके चीजें आती थी अगर आप उनको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सप्लाई पर यहां पर लगा दें विदाउट यूजिंग एन अडैप्टर तो वो डैमेज हो जाते थे, तो उसके लिए एक स्पेशल अडैप्टर यूज होता था तब जाके आप उसको यूज कर सकते थे। आजकल अब हमारे पास ये
मतलब सब कुछ ग्लोबल हो गया, तो अब एप्पल फोन्स और ये सब चीजें नॉर्मल चीजें, मतलब मैकिंटोश और इवन मैकबुक वगैरह, मैक मतलब मैकिंटोश, ठीक है। तो ये वाली चीजें आज की डेट में हमारे पास नॉर्मल हो गई हैं इंडिया में लोगों के पास। तो अब ये सब जो चीजें आती हैं वो डुअल सप्लाई को कंपैटिबल होती हैं, डुअल सप्लाई के लिए कंपैटिबल होती हैं, यानी कि 110 वोल्ट पे भी चला लो, यू डोंट रिक्वायर एनी अडैप्टर फॉर इट, और आजकल आप उसको 220 पे भी चला लो, अब अडैप्टर रिक्वायर्ड नहीं है, उसके अंदर इनबिल्ट होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इस वोल्टेज को बढ़ाती भी है और घटाती भी है वो होता है ट्रांसफॉर्मर। नाउ द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द ट्रांसफॉर्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन, एंड म्यूचुअल इंडक्शन वी हैव डन इन EMI AC से जस्ट पहले हमने म्यूचुअल इंडक्शन किया था, उसी फिनोमेना के ऊपर ये बेस्ड है। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि हमारे घरों में आता 220 वोल्ट्स, आपके टीवी को काम करने के लिए चाहिए कितना, 25,000 वोल्ट्स। एक स्क्रीन को अगर आप देखना चाहते हैं, उसको ब्राइट स्क्रीन अगर आप देखना चाहते हैं, तो 220 वोल्ट से बात नहीं बनेगी, 25,000 वोल्ट आपको चाहिए। अब 220 वोल्ट को 25,000 में कौन कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्मर करता है। तो ब्रॉडली ट्रांसफॉर्मर्स आर ऑफ टू टाइप्स, पहला आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब आपके टीवी में तो लगा हुआ है स्टेप अप जो कि 220 को 25,000 में कन्वर्ट करेगा, लेकिन इस चार्जर के अंदर लगा हुआ है स्टेप डाउन, छोटा सा ट्रांसफॉर्मर है, वो सबसे पहले पीछे से आने वाली 220 वोल्ट को कन्वर्ट करता है इसके अंदर 5 वोल्ट में। वो 5 वोल्ट सप्लाई इसको जाती है, अंदर एक छोटा सा सर्किट लगा हुआ है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है, और उस DC से, उस रिपल्ड DC से आपका फोन चार्ज होता है 3.5 वोल्ट पे, ठीक है। बाकी 1.5 वोल्ट का डिसिपेशन होता है अक्रॉस द रेजिस्टेंस, सेफ्टी रेजिस्टेंस, ये सब चीजें लगाई जाती है, ठीक है। तो वो जो रेक्टिफायर है, दैट रेक्टिफायर इज बेसिकली मेड अप ऑफ सिलिकॉन, उसे हम कहते हैं डायोड, वो आगे की बात है, बट अभी हमने ट्रांसफॉर्मर के बारे में समझना है कि ट्रांसफॉर्मर काम कैसे करता है। मान लें कि ये हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है, अगर ट्रांसफॉर्मर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें बेटा, तो ये हमने AC सोर्स के साथ ट्रांसफॉर्मर को कनेक्ट किया, दीज नंबर ऑफ टर्न्स आर कॉल्ड प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि इस पर्टिकुलर वाइंडिंग को हम लोग कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। तो नंबर ऑफ टर्न्स को हमने लिखा NP, NP का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। इसके बिल्कुल सामने दो पैरेलल लाइंस, ये रिप्रेजेंट करती हैं दोनों वाइंडिंग्स के बीच में जो हम लोग लैमिनेटेड कोर्स लगाते हैं, लैमिनेटेड कोर्स लगाए जाते हैं लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए। वो जो लॉसेस होते हैं वो होते हैं एडी करंट लॉसेस, पावर लॉसेस, ठीक है, कॉपर लॉसेस, इन लॉसेस को ओवरकम, एंड मोर ओवर सबसे बड़ी बात, हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए इसके अंदर कुछ ऑयल, और वो हीट एब्जॉर्बेंट होता है बेसिकली, और एडी करंट्स को रिमूव करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसके अंदर लैमिनेटेड कोर्स यूज करते हैं। तो दूसरी जो वाइंडिंग इसके बिल्कुल सामने होगी वो होगी बेटा आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग NS। तो NS का मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। अब सेकेंडरी को हम कनेक्ट करेंगे एक रेजिस्टेंस के साथ, और ये रेजिस्टेंस हमारी कहलाती है लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। अब लोड रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, कुछ नई चीज नहीं है, यानी ये आपका चार्जर, ठीक है, चार्जर के साथ आपने यहां पर क्या कनेक्ट करना है, मोबाइल फोन ही कनेक्ट करोगे ना, या आप अपनी एप्पल वॉच को कनेक्ट करोगे, या आप अपने फिटबिट को कनेक्ट करोगे, जो भी आपके पास है जिसको भी आपको चार्ज करना है, तो वो जो चार्जिंग यूनिट है जिसको कि आप चार्ज करना चाह रहे हो, ऑब्वियसली चार्जिंग यूनिट तो इसके अंदर है, जिसको कि आप चार्ज करना चाह रहे हो, जिस अप्लायंस को चार्ज करना चाह रहे हो, दैट इज कॉल्ड लोड रेजिस्टेंस, क्योंकि वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो ऑफर करेगा।
अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है? म्यूचुअल इंडक्शन ये कहता है whenever there is some rate of change of flux linked with this coil, that rate of change of flux will be figured out in this coil. और उसी rate of change of flux की वजह से यहां पर क्या generate होगा? EMF generate होगा. और अगर EMF induce होगा तो consequently some current भी induce होगा. इतनी बात clear है? Yes sir. तो इसका मतलब EMF in primary जो develop हुआ that can be written as EP is equals to minus of NP d phi by dt और EMF in secondary same वही होगा, बस number of turns change हो जाएंगे, तो rate of change of flux में तो कोई change आया नहीं. This is d phi by dt into NS with a negative sign. अगर मैं इन दोनों को divide कर दूं तो बेटा EP by ES is equals to NP by NS होगा, क्योंकि d phi by dt तो cancel out हो जाएगा. Yes, sir. तो अगर मैं यहां से number of EMF in secondary की बात करूं तो EMF in secondary can be written as EP into NS upon NP. ठीक है, लिख सकते हैं? Yes, sir. Now this NS upon NP is called transformation factor. और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है के से. ठीक है, yes. अब इसकी वर्किंग समझो. अगर मैं कहूं के की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी 1 से बड़ा हुआ, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बड़ा हुआ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी से होगा. Yes, sir. Therefore, EMF in secondary बड़ा हो जाएगा EMF in primary से. होगा ना? Yes, sir. अब आप कहोगे ये कैसे हुआ? तो देखो बेटा रेशियो. आप इसको अगर NS upon NP लिखो तो ये ES upon EP हो जाएगा ना? ES upon EP is equal to NS upon NP. है ना? Yes, sir. If something is true for the ratio NS upon NP, that will also be true for the ratio ES upon EP. तो जब हमने कहा NS बड़ा होगा NP से, तो obviously EMF in secondary बड़ा होगा EMF in primary से. है ना? Yes, sir. Then this type of transformer is called step up transformer. तो अगर आप वोल्टेज बढ़ाना चाहते हैं तो आपको step up transformer यूज करना पड़ेगा. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लो हमें दे रखा है EMF in primary is 100 volts, number of turns in primary is 100, number of turns in secondary ज्यादा लेने थे, दे दिया 1000. तो what will be the EMF in secondary? सीधी सी बात है, EMF in secondary will be NS upon NP into EP. हो गया, यानी कितने टाइम ज्यादा था? 10 टाइम ज्यादा था ना, तो NS upon NP की वैल्यू आ गई 10, EP आपका 100 था ही, so you will get 1000 volts. ठीक है? Yes sir. तो ये एक एग्जांपल है यहां पर, ठीक है ना? So you will get 1000 volts. तो अगर आपको सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बढ़ाने पड़ेंगे. अब दूसरी कंडीशन देख लो यहां पर. अगर मैं आपसे कहूं कि एनएस अपॉन एनपी छोटा हो जाए 1 से, तो सीधी सी कहानी है बेटा, एनएस छोटा हो गया एनपी से, therefore ES छोटा हो जाएगा ना EP से, hence the transformer is called step down transformer. ठीक है? Yes sir. अब अगर ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी निकालनी पड़े तो क्या करेंगे? तो देखो
efficiency of transformer, efficiency, efficiency को eta से represent करते हैं and is given as the output power upon input power. और अगर परसेंटेज में निकालना हो तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? Yes, sir. तो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं. तो कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई परेशानी बेटा? नहीं जी. ओके, अब यहाँ एक ना स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल केस है. स्पेशल केस ये, इफ ट्रांसफॉर्मर इज सेड टू बी 100% एफिशिएंट, देन याद रखना आउटपुट पावर पी आउटपुट बराबर हो जाएगा इनपुट पावर के. यानी पावर का फॉर्मूला क्या होगा? आउटपुट यानी सेकेंडरी वाला सर्किट. तो सेकेंडरी हाफ ऑफ द सर्किट की पावर क्या होगी? ES into IS, यानी EMF in secondary multiplied with current of secondary, then it will be equal to ET into IP. तो आप इस रेशो को याद रखेंगे. अब ये रेशो सीधी सीधी नहीं है, ये रिवर्स हो जाएगी. ES upon EP will be equal to IP upon IS. ठीक है बेटा? Yes, sir. तो करंट के साथ भी कई बार ईएमएफ का रिलेशन पूछ लेता है वहां पर. कौन से ईएमएफ का? ईएमएफ इन सेकेंडरी एंड ईएमएफ इन प्राइमरी. ठीक है? Yes, sir. तो बेटा यहां से आपका एसी कंप्लीट हुआ. अब एसी के अंदर आपने पहले सारा चैप्टर पढ़ना है, सारे रिजल्ट्स याद करने हैं. एक पेज के ऊपर सारे के सारे रिजल्ट्स को लिखेंगे. उसके बाद अब इसके बाद बेटा इन नेक्स्ट फ्यू क्लासेस हम सिर्फ ईएमआई और एसी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट टू क्लासेस के अंदर एटलीस्ट, ठीक है? उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, क्योंकि अगर हम लोग अब से लेके नवंबर तक सिर्फ इसकी रिविजन ही करते रह जाएंगे, then we don't have too much of time left with us कि हम लोग बाकी बचा हुआ कोर्स कंप्लीट कर पाए, क्योंकि फिर आपके एग्जाम्स फरवरी में हो जाएंगे एंड देन उससे पहले आपके प्रैक्टिकल्स भी होने हैं. यू आर गोइंग टू बी टू बिजी इन दोज मंथ्स ऑफ जनवरी एंड फरवरी, ठीक है? तो पहले हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे. एक क्लास हफ्ते में रखा करेंगे किसी भी एक चैप्टर की रिविजन के लिए, एंड इन बिटवीन एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला ना हो, सो दैट के आप अपने फर्स्ट टर्म के कोर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें और उसके अंदर अच्छी स्कोरिंग करें, ठीक है? Yes, sir. तो ट्रांसफॉर्मर सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड? नो सर. ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं. बाकी नेक्स्ट टाइम असाइनमेंट जो मैंने भेजा है उसके क्वेश्चंस करने शुरू कर देना बेटा. सो हाँ बेटा. सो नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन ही होगी ना? हाँ, नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन है. ओके सर. टाइमिंग्स वही हैं जो डिसाइड हमने किए थे. ओके सर. ठीक है बेटा, फिर भी मैं एक बार ग्रुप पे टाइमिंग्स डाल दूं. थैंक यू सर. ओके बेटा. थैंक यू सर. Okay, but,